हाय गाइस, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, सभी का स्वागत करता हूँ एक फ्रेश क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में। फिलहाल लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत सारे कमेंट्स रिसीव कर रहा था कि भाई आजकल हो क्या रहा है, मतलब आप वॉर के बारे में बात नहीं कर रहे हो, वॉर अटैक्स नहीं दिखा रहे हो, वॉर का सीन क्या चल रहा है आप बता नहीं रहे हो। सो गाइस, सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा CWL। ओके, तो अभी CWL चल रहा है, आपको पता है कि हर 15-20 दिन में CWL वापस आ रहा है, तो बहुत टफ हो रहा है सीन, मामला बहुत टफ हो रहा है। क्यों? बैक टू बैक 7 दिन वॉर खेलने पड़ते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, हर दिन एक वॉर के अटैक्स करने होते हैं। मैं तो मल्टीपल अकाउंट से खेलता हूँ तो प्रेशर और ज़्यादा होता है, ठीक है। मैच मेकिंग को तो इशू है ही है। अब उसके बाद क्या होता है, सारे जो मेरे क्लैन के प्लेयर्स हैं सारे के सारे बिजी हो जाते हैं। 7 दिन कोई अपने हीरोज अपग्रेड नहीं करता, कोई अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत बिजी होता है। उसके बाद सबको रिलैक्सेशन का एक मौका मिल जाता है, सब अपने आराम से रिलैक्स होकर अपने हीरोज को अपग्रेड पर डाल देते हैं। इसीलिए अभी वॉर जो है हमारा थोड़ा कम चल रहा है, बीच बीच में हम लोग वॉर खेल रहे हैं। तो एक हमने ये सोचा था कि एक वार्म अप वॉर खेल लेते हैं, आपके कमेंट्स की वजह से मैंने खेला, वरना मैं सोच नहीं रहा था कि मैं वॉर खेलूंगा। मैंने सोचा था कि डायरेक्ट CWL में वॉर खेलेंगे, बट आप लोगों के कमेंट्स की वजह से एक लगा कि भलो चलो एक वार्म अप कर लेते हैं CWL से पहले। और क्या वार्म अप गया गाइस, मतलब एकदम इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन था ऑस्ट्रेलिया से पहले वैसा गया। परफेक्ट वॉर, 15 वर्सेस 15 का वॉर था, 45 स्टार्स हमने गेन किए, वो भी कम अटैक्स में, 22 अटैक्स में। आपको दिखाऊंगा वॉर का सीन कैसा रहा था, बट उससे पहले गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट दिखाना। और गाइज, इस वीडियो की जो लाइक एम है वो 3000 है। पता नहीं यार मैं क्यों एम रखता हूँ, कभी कंप्लीट ही नहीं होता यार, प्लीज़ कर देना यार 3000 लाइक्स, तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो कर देना। एंड गाइज, सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, चैनल में गिव अवे चल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाओ, गिव अवे पार्टिसिपेट करो। कुछ गैजेट्स हैं मेरे पास, और भी कुछ गैजेट्स आने हैं जिनके मैं गिव अवे करूँगा। 26th of January, यस, रिपब्लिक डे, उस दिन मैं गिव अवे विनर डिक्लेयर करूँगा। हो सकता है आप में से कुछ लकी विनर्स हों, टोटल 5 मेरे पास गिफ्ट्स हैं, तो 5 लोगों को मैं विनर डिक्लेयर करूँगा, तो होप श्योर जीतने के मौका आपको ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसा गया हमारा क्लैन वॉर, जो कि अच्छा गया था। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं 326 वॉर विन कर चुके हैं हम लोग, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, वी आर इन द राइट ट्रैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बेसिस को हमने 3 स्टार किया है, तो ज़्यादा यहाँ पे मसले नहीं है। कुछ अटैक्स मैंने पिक करे हैं आप लोगों के लिए, तो वो अटैक्स मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला अटैक मैं खुद का दिखाऊंगा, मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट TS12 का अटैक था, तो बहुत लोग TS12 के अटैक्स देखने के लिए बहुत ही कीन रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईगर रहते हैं, तो ये वाला अटैक मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को गाइज। और ये एक रिंग बेस है, मैक्स आउट बेस है, सारे डिफेंस मैक्स हैं, आप देख सकते हैं चेक करके बेस में, हीरोज भी मैक्स हैं, वॉल्स को छोड़ के इस बेस में सब कुछ मैक्स है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे रिंग बेस में मैं ज़्यादा जो अटैक प्रीफर करता हूँ वो यही है, क्वीन चार्ज बोविच, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फनल क्रिएट करना होता है। डिसेंट फनल क्रिएट नहीं करोगे तो ऐसे बेसिस में कभी कभी क्या होता है, आपके ट्रूप्स बाहर के रिंग में घूमते रहते हैं, एक भी ट्रूप अंदर नहीं जाता, और आपको पता है कि अटैक का रिजल्ट क्या होता है, फेलियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या किया, मतलब स्टार्ट कैसे करा हमने। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है थोड़ा इनिशियल फनल क्रिएट करना, गलती मैंने यहाँ भी करी थी, ऐसा नहीं है मैंने गलती नहीं करी थी, मैं आपको दिखाऊंगा भी मैंने कौन सी गलती करी थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वीन ड्रॉप किया, हीलर्स ड्रॉप करें। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने बलून से स्नीकिंग माइंड चेक क्यों नहीं करा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस बेस पे पहले किसी ने स्काउट किया था, तो मेरे को पता था यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलते हैं अब आगे, और यहाँ पे मैंने एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप करा जो कि माइन लग गया। अब ये मेरी गलती थी, मेरे को पता था वहाँ पे है, बट फिर भी मैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। यहाँ पे एक बलून डाल के मेरे को स्निकिंग माइन जो है वो डीएक्टिवेट कर देना चाहिए था, ताकि मेरा जो बेबी ड्रैगन है वो थोड़ा फनल क्रिएट कर सके, बट कोई बात नहीं, क्वीन अंदर जा चुकी थी, वॉल ब्रेकर्स की मदद से मैंने क्वीन को अंदर डाल दिया था, और क्वीन अब आराम से जो है बेस के ऊपर क्रूज करेगी। लेवल 60 की क्वीन है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब गाइस, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा इस वक्त, क्यों? देखिए, अब जब क्वीन वॉक जब बोविच करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आपके जो हीलर्स है वो अगर बोलर्स और विचेस जो हैं वो कैप्चर कर ले, तो आपका 3 स्टार होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट अगर कैप्चर ना कर सके तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, सीज मशीन डाला, अपने बाकी ट्रूप्स डाले, फनल हो गया लेफ्ट साइड, और सारे के सारे मेरे बोलर, सारे के नहीं मतलब एक बहुत ही बड़ा पोर्शन ऑफ द बोलर्स मेरे कोर में जा रहे हैं, बहुत सही है, और मेरा सीज मशीन जो है वो अंदर तक जा चुका है, कोर ओपन कर दिया है। अब गाइज, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अब देखिए जब ऐसा सीन होता है ना, जब ऐसा माहौल बन जाता है तो सब डर जाते हैं, कोई भी TS12 हो, 11 हो, उसका प्लेयर डर जाता है, देखता है जब CC से दो ड्रैगन निकले हैं मैक्स लेवल के, इन्फर्नो टार्च टारगेट कर रहे हैं, एग्जबोज हैं, लॉक्ड हैं, ईगल आर्टिलरी डैमेज कर रहा है, तो सब क्या करते हैं, घबरा के ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी टैप कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सब, अगर आप यहाँ पर ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी गलती से भी टैप कर दोगे तो ये मैं पक्का बोल दे रहा हूँ, आपका कोई कुछ भी कर लो आप 3 स्टार नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बोविच का एक बड़ा पोर्शन है वो टाउन हॉल का जो डेथ डैमेज है उसके वजह से सब खत्म हो जाएगा, तो आपको ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी टाउन हॉल का डेथ डैमेज को सर्वाइव करने के लिए ही टैप करना है। आप आगे कुछ भी हो जाए आप टैप मत करना, अगर कर दिया तो अटैक खत्म, मतलब हो सकता है 2 स्टार हो जाए, बट 3 स्टार
इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैमेज मेरे सोक कर रहे थे, मेरे ट्रूप्स जो हैं सारी चीज़ें डैमेज सोक कर रहे थे, मैंने पॉइजन किया भी था बट फिर भी, बट जब जैसे डेथ डैमेज की बारी आई वैसे मैंने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी जो है वो टैप करी और आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या हुआ, कोर भी क्लीन हो गया, ड्रैगन अभी भी जिंदा था बट क्वीन और बाकी मेरे विचेस जो थे उनकी मदद से मैंने कोर को क्लीन किया। जंप था एक फाइनल मेरे पास, अभी भी एक रेज मेरे पास पड़ा था जो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, मैंने थोड़ा स्वैग टाइप का यूज़ किया था बट फिर भी अभी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बोलर्स को कुछ हील क्यों नहीं किया या फिर रेज क्यों नहीं किया, मेरे को पता था यहाँ पर डबल जीबी है क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको पहले एक स्काउट अटैक ऑलरेडी हुआ था बेस पे, तो यहां पे डबल जीबी था। अब मैं अगर रेज करता यहां पे तो रेज वेस्ट होता क्योंकि जैसे बॉलर्स आगे बढ़ते स्पीड से वैसे खत्म हो जाते। अब देखना, आपने देखा अभी कैसे यहां पे चीजें वर्क करी है। अब क्वीन बची थी, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था इस मतलब आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, सिर्फ क्वीन की मदद से इस बेस को हमने 3-star करा है बट टाइम की इशू नहीं थी। ठीक है, टाइम इज नॉट अ इशू इन दिस बेस, सो वहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिला और ज़्यादा डिफेंस नहीं बचे थे, दो कैनन, एक कैनन और दो आर्चर टावर बचे हुए थे मेरे पास, थोड़े हेल्पिंग ट्रूप थे यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनियन था, एक विजर्ड था, एक आर्चर था जो कि मैंने बाद में यूज़ किया थोड़ा फास्ट करने के लिए अटैक को क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा टाइम इशू था, टाइम ज़्यादा इशू नहीं था थोड़ा सा हो गया था, तो यहाँ पे जैसे कैनन डाउन हो गया उसके बाद मैंने विजर्ड और आर्चर वगैरह ड्रॉप कर दिया ताकि मिनियन भी था एक उनको ड्रॉप कर दिया ताकि जो अटैक है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब देख सकते हैं क्वीन यहाँ पे वॉल ब्रेक करती है और वॉल ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली लास्ट के इस कंपार्टमेंट को टारगेट करती है, कंपार्टमेंट तो नहीं है मतलब लास्ट के कुछ चीज़ों को टारगेट करती है। यहाँ पे रेज मैंने ड्रॉप करा ताकि क्वीन थोड़ी तेज हो जाए और जल्दी से इस बेस को क्लीन कर दे, तो ये एक अच्छा अटैक मेरे हिसाब से मेरे को लगा। आप लोग बताना एक बार कमेंट सेक्शन में आपको अटैक कैसा लगा। नेक्स्ट अटैक में मूव करते हैं जो कि नंबर 3 के ऊपर हुआ था, ये भी काफी अच्छा एक सॉलिड अटैक था। आप देख सकते हैं ये TH-11 का बेस था, अच्छा बेस था और बहुत ही एक मतलब आइसोलेटेड एक कोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पर इन्फर्नोज हैं, वहाँ पे ईगल है, वहाँ पे एक्सबोज है, क्वीन है, तो बहुत ही टफ़ बनाती है ऐसे आइसोलेटेड बेस क्योंकि इसमें होता क्या है ट्रूप्स अंदर को जाते नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं रिंग्स तीन रिंग्स से घिरे हुए हैं जो कोर है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पहले इनिशियल फनल क्रिएट करने के लिए कुछ वैलक्रीज और बेबी ड्रैगन्स वगैरह यहाँ पे यूज़ करे गए और बट मेरे को एक चीज़ अजीब लगा कि वैलक्रीज मेरे ख्याल से वैलक्रीज से अच्छा होता एक पेका और दो तीन बोलर्स यूज़ करा जाता तो ज़्यादा वैल्यू मिलती मेरे हिसाब से, बट फिर भी ठीक था, थोड़ा फनल क्रिएट हो गया था। बेबी ड्रैगन का यूज़ इतना मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि अगर बेबी ड्रैगन थोड़ा बाद में यूज़ हुआ करते अभी करते तो बाकी डिफेंसेस जो थे टारगेट करते क्वीन को और बेबी ड्रैगन ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाता, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। इस साइड से पेका और थोड़े विचेस से फनल क्रिएट किया गया जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक पेका दो विचेस या फिर एक विचेस और 3-4 बोलर्स किससे जो फनल क्रिएट होता है वो इनसेन होता है क्योंकि सब चीज़ जो है वो स्केलेटन्स और पेका को टारगेट करते हैं और विचेस और बोलर जो है वो बहुत तेज तेज काम करती है। अब फाइनली हमारा जो वॉल रेकर है वो मूव कर रहा है और पीछे से जो बोलर्स हैं वो अब सामने की तरफ आ रहे हैं ताकि हेल्प करें और किंग क्वीन जो है वो भी मूव कर रहे हैं, किंग तो भारी है, क्वीन मूव कर रही है कोर की तरफ और ग्रैंड वार्डन भी है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पॉइजन एंड फ्रीज करा गया था, एक फ्रीज और करा गया यहाँ पे और कोर का अरे टोर्नेडो ट्रैप ने थोड़ी दिक्कत दी बट फिर भी सब कुछ सही चल रहा था और सिंगल इन्फर्नोज से तो सिंगल इन्फर्नोज से ज़्यादा डर नहीं होता। वैलक्रीज थी सीसी में, अभी सारे लोग यही यूज़ कर रहे हैं वैलक्रीज, मैक्सिमम लोग वैलक्रीज ही यूज़ कर रहे हैं सीसी में ताकि ऐसा जब कोर हो जो बहुत ही डेंस हो वहाँ पे जाके एक रेज के मदद से वैलक्रीज बहुत तेज़ जाके कोर को साफ करते हैं, तो अच्छा अटैक था। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मेन जो अट्रैक्शन था अटैक का जो कोर में मूव करना और कोर को क्लियर करना वो हो चुका है, अब सिर्फ क्लीन अप बचा है क्योंकि इतने सारे ट्रूप्स बचे हैं, हीलर्स अभी भी हील कर रहे हैं तो अटैक कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से ये बेस क्लीन होगा। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ हो गई है और ये बेस बस कुछ टाइम का मामला है, अभी साफ हो जाएगा। तो गाइज ये भी एक अच्छा इंप्रेसिव अटैक लगा मेरे को, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। एक अटैक के बारे में और बात करेंगे जो 10v10 अटैक था, मैं आपको दिखाता हूँ, वो नंबर याद नहीं है मेरे को, एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को, हाँ शायद यही था। तो ये रहा गाइज एक 10v10 अटैक, मेरे को खासा अच्छा लगा ये 10v10 अटैक। आप देख सकते हैं बेस बहुत ही अच्छा बेस था, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वीक बेस है, कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट मैक्स आउट बेस है और हीरोज़ अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको फुल्ली मैक्स आउट दिखेंगे, डिसेंट बेस था। और यहाँ पे जो ट्रूप यूज़ हुए हैं गाइज, ये एक सिंपल बोविच है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस बेस को 3-star करा गया है। ये बेस आपको काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाएगा, मेरे को तो काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाता है। पहले क्वीन वॉक से शुरू किया गया है बेस को और क्वीन वॉक अब देख रहे हैं आराम से क्वीन वॉक मूव करेगी बेस पे क्योंकि बाहर के साइड में ना ही कोई एयर डिफेंस है ना ही कोई ज़्यादा टारगेट करने वाले डिफेंस है, दो एक टारगेट कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है यहाँ पे अभी तक फिलहाल। तो क्वीन मूव कर रही है, आराम से क्वीन मूव करेगी अभी और आई गेस यहाँ पे ओके। तो अभी भी एनिमी क्वीन ने टारगेट किया नहीं है क्वीन को बट मेरे ख्याल से अभी किसी भी वक्त करने वाली है, यस कर लिया है बट रेज के अंडर है, मतलब हीलर्स भी हैं रेज के अंडर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।
एक्सबो को भी निकाल दिया है, उसी के साथ और भी कुछ डिफेंसेस को निकालेगी क्वीन, अच्छी वैल्यू मिली क्वीन के साथ और फनल भी क्रिएट हो गया एक तरफ से। और यहाँ पे एक ट्रोल टेस्ला था जिसको जायंट्स ने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया और मेरे ख्याल से विचेस जो है वो बाकी काम कर देगी। वॉल ड्रेकर ड्रॉप हो चुका है और इस बेस का भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही था कि इसके इन्फर्नोज जो थे वो सिंगल थे और सिंगल इन्फर्नो में गाइस बोविच और माइनर्स क्वीन चार्ज माइनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल हो जाते हैं, मतलब आप डिफेंड नहीं कर सकते उनको। यहाँ पे सीसी से एक ड्रैगन और एक आइस गोलम निकला है, ओके इंटरेस्टिंग। वैसे नॉर्मली सब बेबी ड्रैगन यूज़ करते हैं बट इस बंदे ने ड्रैगन को मिक्स किया है विद आइस गोलम, तो ये मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य लगा, बट फिर भी ठीक है, जब तक रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तब तक सब कुछ सही है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले ही इन्फर्नो टार को फ्रीज करना चाहिए था ताकि वॉर रेकर थोड़ा और पेनिट्रेट करता, बट कोई बात नहीं, जब तक रिजल्ट्स अच्छे हैं, जब तक 3 स्टार्स होते हैं तब तक कोई बड़ी बात नहीं है। क्वीन अभी भी बची हुई है, क्वीन की एबिलिटी तो यूज़ हो चुकी है बट क्वीन अभी भी बची हुई है कि हील स्पेल यूज़ किया गया है कोर पे, एक फाइनल रेज अभी भी इंटैक्ट है। मेरे ख्याल से ये वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे यूज़ करा जाएगा लास्ट वाला जो रेज है, यस। तो यहाँ पर रेज यूज़ करा गया और आप देख सकते हैं कि बोलर्स की हेल्थ यहाँ पे काफ़ी कम हो गई थी, बट हीलर्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था, अगर बोविच हीलर्स को कैप्चर कर ले तो भाई रोकना नामुमकिन हो जाता है बोलर्स को और विचेस को, क्योंकि उसके बाद तो वो इमॉर्टल जैसे हो जाते हैं। बट अगर बोलर्स और विचेस आपके हीलर्स को कैप्चर ना करें तब कभी कभी पंगा हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्वीन वॉक जो है कभी कभी वॉल में अटक जाती है, वॉल से आगे बढ़ नहीं पाती है, कभी कभी बाहर की तरफ चली जाती है और आपके जो अटैक्स है वो थोड़े प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, आराम से इस बेस को 3 स्टार करा गया है। आप देख सकते हैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रूप्स अभी भी बचे हुए हैं, बहुत सारे बोलर्स हीलर्स क्वीन और एक बेबी ड्रैगन, एक आधा विजर्ड्स भी बचा हुआ है, बहुत अच्छे अटैक्स गए गाइज। और होप श्योर आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, अटैक्स से आपने कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है तो जरूर मेरे को बताना। एंड ऐसे अटैक्स अगर आप और देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ऑलरेडी लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बहुत सारे अटैक्स हैं और इन फ्यूचर में और अलग अलग अटैक्स के ऊपर काम करता ही रहता हूं, तो उनके वीडियोज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो होप श्योर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, रिक्वेस्ट है आपके भाई का। मिलता हूं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।